पीछे खयाज एक नाम है इनकलाब और हुस्न का। आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज अलल ऐलान, मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहान। आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज अलल ऐलान, आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज अलल ऐलान, मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहान, मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहान। आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज अलल ऐलान। शेख अयाज का नाम बरे सगीर के अदबी और अवामी हलकों में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपके लिए ये कहना कि आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बहुत मामूली सी बात है। शेख अयाज ने अपनी शायरी से एक दुनिया को मुतासिर किया और माजी को हाल और मुस्तकबिल का आईना बना दिया। आपने अपनी आंखें धरती और फितरत के लिए खोली और फिर तारीख के पता नहीं कितने अद्वार आपकी शायरी में सिमट गए। यदाब जियें बरसात पवे तू छा जानी कियां दीहूं लहे कियां रात पवे तू छा जानी कियां दीहूं लहे कियां रात पवे तू छा जानी अगवाह अज़ल जे मेड़े का ए पोए अबद जे छेड़े का अगु आह अज़ल जे मेड़े खां ऐं पोए अबद जे छेड़े खां थी विच ते ज़ात सिफ़ात पवे तूं छा ॼाणी थी विच ते ज़ात सिफ़ात पवे तूं छा ॼाणी दुनिया में दौलत शोहरत खां हर चाहत खां उन खां बि मथां दुनिया में दौलत शोहरत खां हर चाहत खां उन खां बि मथां थी माण्हूअ जी मर्जात पवे तूं छा ॼाणी। शेख अयाज की शायरी कभी सावन की तेज तूफानी बारिश और कभी रिमझिम की नर्म बूंदों को चूमती, सिंध के दश्तो सहरा खेतों खलियानों और मैदानों को सरसब्ज करती गई। सिंध के तारीखी और तहजीबी शहर शिकारपुर में 2 मार्च 1923 में बहार की एक सुबह को, जब मस्जिदों में अजाने और मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, तो शेख गुलाम हुसैन और अम्मा दादा के घर में एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। उस वक्त किसी को क्या पता था कि ये बच्चा आगे चलकर न सिर्फ सिंध बल्कि बरसगीर का एक बहुत बड़ा शायर बनकर उभरेगा। वो एक सेक्युलर दिमाग के इंसान थे, उन्होंने अपनी शायरी में बहुत खुलकर लिखा। मैंने भी अपनी एक नज़्म में एक दफ़ा ऐसे लिखा था कि यारो बस इतना करम करना, पसे मर्ग न मुझ पे सितम करना, मुझे कोई सनद न अता करना दीदारी की। तो दीदारी की कोई सनद उनको देने की ज़रूरत नहीं है। और वो एक खुले दिमाग के इंसान थे और मज़हब को मुसल्लत करने के ख़िलाफ़ उनकी जंग थी। और जिसके नाम पर सिंध को ऑप्रेस किया गया बरसों, उसके ख़िलाफ़ उनकी जंग थी। इन्होंने गज़ल लिखी, गीत वाई। देखिए अब वाई जो है ख़ास सिंध की, मंजूम ड्रामे ये भी इन्होंने लिखे और बेमिसाल उनका शेरी मेयार हमेशा बहुत बुलंद था। शेख एक नफीस नाजुक प्यारो महबूब सिफत मानू हो, एक अनरभ कीमती इंसान हो, शायर हो, तमाम वो शायर जमान का पोहेड़ो शायर थे। सिंध की जिंदगी की काया ने बदला छड़ी, शहर की शायरी बदला छड़ी। रोशन ख्याल तरक्की पसंद इनकलाब मायल, रोशन ख्याल तरक्की पसंद शायरी हुई।
बेमिसाल हो। हम हमेशा शहर पढ़ते हैं, असी निंड जा नेण आयो पी सुते साह जागी वे दूर दूर सितारा लताड़े असो शऊर सवें चंड साथी कतियन जा सवें काफिला रह गुजर में सफ़र में सवें कायनातूं आगाज जिनजो न अंजाम जिनजो जवाएं मकां खां मुसलसल निजातूं अज़ल खां अबद ताईं सुख जूं बरातूं जॾहिं मोट खाऊं सवें राज आणियूं सवें साज़ आणियूं सवें साज़ जे लाइ आवाज़ आणियूं सवें चंड चाहियूं सितारा तिगायूं उन्हनि सां अची जग सॼो जगमगायूं असीं जाग जा भाग आहियूं प्रिय असीं निंड जा नेण आहियूं प्रिय। आपके वालिद ने आपका नाम मुबारक अली तजवीज़ किया, लेकिन आपने फिर अपना तखल्लुस अयाज रखा और फिर यही नाम आपकी पहचान बन गया। शेख अयाज ने प्राइमरी तालीम साल 1932 में शिकारपुर के स्कूल से हासिल की, जो कि आज जुमानी हाल स्कूल के नाम से जाना पहचाना जाता है। बाद में आपको न्यू एरा स्कूल में दाखिल करवा दिया गया, जहां के अदबी माहौल ने शेख अयाज के शऊर को पुख्ता किया। आपने मैट्रिक यकुम अप्रैल 1939 में शिकारपुर के मशहूर हाई स्कूल नंबर 2 से हासिल की और बाद में CNS कॉलेज शिकारपुर में आपने एडमिशन ली। उस वक्त सिंध में सिर्फ 3 कॉलेज कराची, हैदराबाद और शिकारपुर में मौजूद थे। CNS कॉलेज के पीकॉक हॉल और लाइब्रेरी और कॉलेज के माहौल ने शेख अयाज को बहुत मुतासिर किया। आपका तालीमी सफर कराची के डीजे कॉलेज तक जा पहुंचा। LLB आपने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची से की। शेख अयाज का मुताला बहुत ही वसी था। जेका सुणी तुक जी रली जेका तैयार कई वा लतीफ तैयार कई उन ते सितारू अयाज है। उनते ये जेके सितारू लगल है ये जो सजो की सिंध जेको सी जुबरणू था कल्चर डे ते यो अयाज जे पेजी बगावत में जे पेजे मुजाहबत में जे पेजे रेजिस्टेंस में रोमांस क्रिएट कयो। 1952 में कराची से सखर तशरीफ लाए और अपनी जिंदगी के 40 बरस सखर में सुकूनत पजीर रहे। सखर में जिस घर में आपकी रिहाइश थी वो आज भी उस हालत में मौजूद है। इस घर की छत पर आप रोजाना तुलुए आफ्ताब से पहले आकर दरियाए सिंध को देखते थे और इस घर में आपकी यादें आज भी दरो दीवार में मौजूद हैं, जहां आपने शायरी की कई किताबें तख्लीक की। शेख अयाज 1976 से लेकर 1980 तक सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के वाइस चांसलर भी रहे। धरती पर छाए हुए घोर अंधेरे में हम दिया दिया रोशनी हैं और चार सू चमक रहे हैं, क्योंकि हमने घर बार तर्क किया और अपने लिए जिंदान की दीवारें चुन ली। इनकलाबी शायरी करने की वजह से शेख अयाज की 3 किताबों को अयूब खान की आमरियत ने जब्त कर दिया और आप 1965, 1968 और 1971 में सखर साहिवाल जेलों में पसे दीवारें जिंदान रहे। दिसंबर 1997 को जब कराची के आसमान पर अभी सुबह होने में चंद घंटे बाकी थे, तो शायर इनकलाब
शेख अयाज ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। दूर थींदा वञन रोज जोगी अड़ा तू अन्या थो जिए हाड़े जीअड़ा 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 जीअड़ा। भिटशाह में सिंध के अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की खूबसूरत झील कराड़ के किनारे आपकी अबदी आरामगाह है, जहां चांद अपनी चांदनी और सितारे अपनी किरणें, जबकि खला की वसतों में परिंदे उड़ान भरते रहते हैं। जमाना चाहे कितनी ही करवटें क्यों न बदले, लेकिन आपकी आवाज हमेशा सुनाई देती रहेगी। मेरे दीदावरों मेरे दानिश्वरों मेरे दीदावरों मारे दानिश्वरों मेरे दानिश्वरों मेरे दीदावरों मेरे दानिश्वरों पाओ जख्मी सही डगमगाते चलो जख्मी सही डगमगाते चलो राह में संगो आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो जगमगाते चलो मेरे दीदावरों मेरे दानिश्वरों मेरे दीदावरों मेरे दानिश्वरों मेरे दीदावरों मेरे दानिश्वरों मेरे दीदावरों मेरे दानिश्वरों पाओ जख्मी सही डगमगाते चलो पाओ जख्मी सही डगमगाते चलो राह में संगो आहन के टकराव से संगो आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो जग